गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13, टाइम एंड टेम्परेचर. आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम किसके बारे में सीखेंगे, टाइम और टेम्परेचर के बारे में. वो आपकी जो रिवीजन एक्सरसाइज है बेटा, अब आपकी रिवीजन एक्सरसाइज हम समझते हैं. तो रिवीजन एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या बताया गया, गिव द टाइम इन द 24 आवर फॉर्मेट. तो आपको ये क्या दिया गया, 6:15 PM लिखा है. तो PM में अभी क्या सीखा था, कितना ऐड कर देंगे, 12, तो कितना हो जाएगा 18, फिर कॉलन 15 आवर, तो 1815 आवर्स. ठीक है, ऐसे ही 9:05 AM यानी सुबह के 9:05 हुए हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 09:05 आवर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है द पुणे हावड़ा डोरेंटो एक्सप्रेस. ये एक आपको ट्रेन का नेम बता दिया गया है. तो उसका जो वो सपोज टू अराइव, कि उसका माना जाता था, वो अराइव मतलब पहुँचेगी एट हावड़ा स्टेशन, कि हावड़ा स्टेशन पे वो कितने बजे पहुँचेगी, शाम को 7:20 पे. इट इज़ रनिंग 2 hours 10 minutes लेट, 2 hours 10 minutes लेट चल रही है. तो एट वट टाइम विल इट रीच हावड़ा स्टेशन, तो हावड़ा स्टेशन पे कितने बजे पहुँचेगी. देखो पहुँचना कितने बजे था, 7:20 PM. ठीक है, और कितनी लेट है, 2 hours 10 minutes. तो अगर हम इसमें 2 hours 10 minutes ऐड कर दें तो कितना होगा, 9:30 PM. करके देखो, यहाँ पे 20 minutes हो, यहाँ पे 10 minutes ये हैं, 20 और 10 30 minutes हो गए, और 7 में 2 hours plus के तो क्या हुआ, 9, तो क्या हो गया, 9:30 आ जाएगा आपका इन द इवनिंग. इसी तरीके से द एनुअल कंसर्ट ऑफ अ स्कूल स्टार्टेड एट 10:30 AM. तो टाइम कितने बजे स्टार्ट हुआ, 10:30, फिनिश्ड एट 12 noon. आपको बताना कितनी देर तक चला. तो इसको कैसे लिखेंगे, कि द कंसर्ट स्टार्टेड एट 12 noon. ठीक है, कॉन्सर्ट स्टार्टेड, कॉन्सर्ट क्या होता है बेटा, फंक्शन. ठीक है, कॉन्सर्ट स्टार्टेड कितने बजे, 12 noon, यानी दोपहर के 12 बजे, 1200 ये लिख देंगे आज. एंड स्टार्टेड, सॉरी कॉन्सर्ट एंडेड आएगा बेटा, यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना. और इट स्टार्टेड कितने बजे स्टार्ट हुआ था, ये देखो यहाँ पे टाइम क्या दिया गया, 10:30 AM. 10:30 AM यानी 10:30 hours. ठीक है, अब आपको बताना है ड्यूरेशन, कि कितनी देर चला. तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. अब बेटा 1200 hours में से 10:30 hours माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको ध्यान देना. देखो यहाँ पे तो 00 minutes है, यहाँ पे 30 minutes हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपने 1 hour ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह गया, 11 hours रह गया. 1 hour लिया, तो 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60. तो यहाँ कितने पहुँच गए, 60 minutes पहुँच गए. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर, 0, 6 में से 3 गया 3, और 1 में से 0 माइनस किया 1, और ये 1 में से 1 0. तो कितना टाइमिंग के लिए चला, 1 hour 30 minutes के लिए. ठीक है, तो ये आपका इसका काम हो जाता है. इसके बाद जो नेक्स्ट अब हमें समझना है वो क्या है, कन्वर्टिंग टाइम फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जब हमें टाइम कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे. तो इसके लिए बेटा देखो, सबसे पहली चीज़, आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 hours होते हैं ना वन डे में, और 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 minutes, ये भी आपको पता है. अब अगर मैं आपको दे दूं कि बेटा आप मुझे बताएं 2 hours में कितने मिनट्स होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 60 minutes. ठीक है, यही होता है ना, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें. तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 को 0 से क्या 0, 2 × 6 = 12, तो ये आपके 120 minutes हो गए, डन. इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं. अब मैं आपको बोलती हूँ 5 hours, 5 hours में बताओ कितने मिनट्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 hours को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मिनट्स में आ जाएगा. 5 को 60 से तो किया, तो कितना आया, 300 मिनट्स आ गया आपका आंसर. ठीक है,
अब बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको थोड़ा सा एक लेवल हायर कर देता है, थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं, फिर मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को कितने अच्छे से समझ में आता है। तो बेटा मान लो मैंने आपको दिया 5 hours 15 minutes और मैं आपको कहती हूँ कि बेटा इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हमें क्या करना है, इस मिनट को कन्वर्ट करना है, नहीं करना ना क्योंकि ऑलरेडी मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, 5 hour को कन्वर्ट करना है ना, यहाँ पे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा उसमें कितना ऐड करेंगे, 15 minutes, 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 300 plus 15 minutes, तो इससे आपका कितना हो जाएगा, 315 minutes आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज देखेंगे बेटा, तो बुक की एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। अब बेटा देखो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं आपको पता है, 60 सेकंड्स, तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने आपको बोला 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप कह देंगे कि मैम 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ, मैंने आपको दे दिया कि आप मुझे बताएंगे 10 minutes and 5 seconds कितने सेकंड्स के इक्वल होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 मिनट को जल्दी से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें कितने सेकंड ऐड करने हैं आपको, 5 सेकंड ऐड करने हैं, 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका, 600 plus 5 seconds, तो ये आपका क्या आया, 605 सेकंड, यानी मिनट से सेकंड में गए हो आप या आर से मिनट में गए हो, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो देखो इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, यही तो था ना कि 5 minutes 35 seconds को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 35 सेकंड कर देंगे, आपका आंसर डन। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेटा अगर मैंने आपको बोला कि 1 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है आर में, मिनट से घंटे पे जाना है, यहाँ ध्यान देना बेटा, अभी तक हमने क्या किया था, हमने आर से हम मिनट पे गए थे, अब हम मिनट से आर्स में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे मिनट से आर में चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको बोला 120 मिनट्स हैं तो उसको आप आर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, 120 को 60 से डिवाइड करेंगे, चलो करते हैं डिवाइड, ऐसे ही करते हैं ना आप 120 को 60 से डिवाइड, तो देखो 60 की टेबल तो नहीं आती हमें, लेकिन 6 की तो टेबल आती है ना, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 60 की टेबल के लिए क्या करना है, जैसे 0 ही तो लगाना है, तो 60 twos are 120 माइनस किया तो कंप्लीट, तो किसके इक्वल हो गया, 2 hours के, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 hours। इसी तरीके से अगर मैंने आपको बोला 804 मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, 804 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका किस में आ जाएगा, आर्स में, चलो करते हैं 804 और 60 से डिवाइड। तो देखो बेटा पहले टेबल यहाँ पे हमने लिखी थी ना, 61 पे चला जाएगा, 61 60 माइनस किया तो क्या आया, 20, ऊपर से हमने क्या लिया, 4, अब 20460 की टेबल में कहाँ पे आता है, नहीं पता, चलो चेक करते हैं, 2 पे गया था, 6 threes are 18, तो 60 की टेबल में 180, 6 fours are 24 और 60 की टेबल में 240, तो देखो 204 240 तो बड़ा हो गया, तो हम कहाँ पे जाएंगे, 3 पे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, 180, माइनस करते हैं 4 से 4 एज इट इज़, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरी कर लिया ना हमने, 10 से 8 गया 2 और ये 0, यानी 24 तो आपका रिमाइंडर बच गया और 13 आपके कंप्लीट डिवाइड हो गए, तो जो आपका कंप्लीट डिवाइड हुआ है उसको तो हम लिखेंगे 13 hours और जो रिमाइंडर रह गया उसको हम लिखेंगे 24 minutes। ठीक है, अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2, यही तो किया था हमने, 60 से डिवाइड करना है इनको, अभी यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया ना मैंने 804 वाला, देखो 804 मिनट्स को हमने आर्स में कन्वर्ट कर लिया, आर्स एंड मिनट्स में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का जो आपका होमवर्क है बेटा वो क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये सॉल्व करना है।